कि आपने भी देखा है कई तरह के विज्ञापन कि पतंजलि की शॉप खोलिए और 30 से 50 हज़ार रुपये महीने कमाइए। क्या इसका सच आप जानते हैं? आपने और भी विज्ञापन देखा होगा कि फ्रेंचाइजीज और डीलरशिप लीजिए और लाखों में कमाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और तरह तरह के आपको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं कि यहाँ आइए पतंजलि में इन्वेस्ट कीजिए और ढेर सारे पैसे कमाइए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसकी हकीकत क्या है? आइए, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कई डिस्ट्रीब्यूटर, कई डीलर्स और कई रिटेलर से बात की है और उसके बाद ये रिपोर्ट जो आने वाली है ये बनाई है। आइए आपको बताते हैं कि पतंजलि का बिजनेस मॉडल क्या है, पतंजलि पैसा कहाँ से कमाती है और किसके थ्रू कमाती है। जब पतंजलि स्टार्ट हुई थी तो उसके एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर थे और बहुत कम रिटेल शॉप्स थी। आपने देखा होगा कि किसी भी इलाके में एक से दो रिटेल शॉप रही होंगी या एक से दो डिस्ट्रीब्यूटर रहे होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन जिसको कहते हैं कि पैसे की भूख, पतंजलि अब देश सेवा नहीं है, पतंजलि में अब सिर्फ पैसे की भूख है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर खोलें और अपना माल सप्लाई करें। तो इनका मतलब सिर्फ ये है कि इनका माल बिकना चाहिए। पतंजलि का माल बिके, रिटेलर पर मार्जिन कमाए या ना कमाए, डीलरशिप पर कैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन इनको इस तरह से मतलब है कि हाँ भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पतंजलि को पैसे कमाने हैं बस। इनका कोई रोल मॉडल नहीं है सर। इनके बारे में जितने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से हम लोगों ने बात की है उसके हिसाब से जो मार्जिन है रिटेलर्स का वो मुश्किल से 8 से 12% होता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है वो करीब 5% के आसपास है। और इन सब मार्जिन में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया हमको कि 5% मार्जिन में आपको रेंटल भी निकालना पड़ता है, आपको लेबर चार्ज निकालना पड़ता है, आपको सारे एक्सपेंसेस निकालने पड़ते हैं उस सिर्फ 5% के आसपास जो मार्जिन है। आप खुद ही सोच के बताइए कि 5% मार्जिन होने के बाद, सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हैं? क्या आप लाखों कमा सकते हैं? जी नहीं, ये मिथ है आपका। दूर से लगता है कि आप 5 लाखों रुपए कमा सकते हैं। आइए कभी देखिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ बताई लोगों ने हमको यहाँ पर कि भैया आपको कम से कम, पहली बात तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती सर। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप सीधे साधे इंसान हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी ही नहीं। इंडिया रन ऑन जुगाड़, ठीक है? तो आपको एक बहुत बड़ा जुगाड़ खोजना पड़ेगा और आपका अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तो हरिद्वार से आपको अपनी अपनी डीलरशिप लेनी पड़ेगी। ये लोग आपको इतना हैरस करेंगे, इतना हैरस करेंगे कि 25 से 40 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग में ही लगाना पड़ेगा और डेली कोई ना कोई आदमी आके खड़ा हो जाएगा आपके यहाँ कि हाँ भैया। और इनके जो सेल्स ऑफिसर्स हैं, अरे भैया उनके बारे में क्या कहना, वो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि वो मार्केट में जाते ही नहीं है। एक जगह किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बैठ जाएंगे और अपने सीनियर्स को भेजते रहेंगे कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बैठ के उसके यहाँ खाना पीना खा के बैठते रहते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर खाना पीना नहीं खिलाता है उसकी कंप्लेन करते रहते हैं, फर्जी कंप्लेन, चाहे वो जितना ईमानदार आदमी हो। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर ने तंग आके अपना डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ दिया क्योंकि उसमें कमाई नहीं होती, लाखों का नुकसान हो रहा है लोगों का। और ये महाराज जी ऊपर बैठे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं, भैया पतंजलि का पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बस। ये नहीं मालूम है कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा मरा जा रहा है। और बड़ी बात है कि इनके जो लोकल कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, जैसे इनके सेल्स ऑफिसर रहते हैं, इनके मैनेजर्स रहते हैं, इन्हें एरिया मैनेजर्स रहते हैं, इनके जो जेडम्स रहते हैं, अरे भैया इनके बारे में क्या कहना, ये आपको आके धमकाएंगे, आपके ही डीलरशिप पे आके आपको धमकाएंगे कि आपकी डीलरशिप ले लेंगे वो, और डर के मारे आप और पैसा लगाओगे, और पैसा लगाओगे तो और लूज करोगे पैसा भैया। अब देख लो, इसमें सिर्फ पैसा डुबोना है, आपको पैसा कमाओगे नहीं। आपको इतना कम मार्जिन किस प्रोडक्ट में मिलता है जरा हमको बताइए? नहीं मिलता किसी प्रोडक्ट में। लेकिन आप भैया, सब लोग कहते हैं देशवासी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है इसका और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन भैया हमको प्रोडक्ट्स के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे। प्रोडक्ट्स इनके अच्छे हैं होंगे क्योंकि भैया हमने तो यूज़ नहीं किया, हम तो सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहे हैं आपको कि पैसा कौन कमा रहा है। पैसा कमा रहे हैं सिर्फ बाबा जी या उनकी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, और कोई पैसा नहीं कमा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं कमा रहा है, रिटेलर पैसा नहीं कमा रहा है। क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि मार्जिन नहीं है इसके अंदर भैया। हमने अब एग्जाम्पल लेते हैं, इनकी सबसे बड़ी मार्केट है यूपी, उत्तर प्रदेश। वहाँ के कई डिस्ट्रीब्यूटर, कई रिटेलर्स के द्वारा जो हमने बात की है, और वो लोग नाम तो बताएंगे नहीं क्योंकि डर के मारे भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली जाएगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जिस चीज़ का ऑर्डर लगाएं
ठीक है, वो तो कभी नहीं आएगा आपके ऊपर। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपने ऑर्डर लगाया हमको ये चीज़ चाहिए, आपने 10 लाख रुपए का ऑर्डर लगाया, आएगा सामान 2 या 3 लाख रुपए का, और वही सामान भेजेंगे आपको जो बिकता नहीं है, और फिर उसके बाद आपकी हसल शुरू हो जाएगी, भैया ये सामान जो बिकता नहीं है जो एक्सपायर कर जाएगा तो इसको कैसे रिटर्न करेंगे, वो तो जीएसटी आ गया तो रिटर्न अलाउ हो गया इन लोग यहाँ से, नहीं तो पहले वो भी नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि आप पैसा लगा रहे हो 25-40 लाख रुपया, और 1 साल बाद अगर 25-40 लाख रुपया आपका 25-40 लाख ना होकर 10 या 15 लाख बचा तो क्या फायदा आपका? सारा तो पैसा आपने हॉल रेंटल में कर लोगे और दुकानों को दोगे और गाड़ियों को दोगे, खर्चा पैसा कहाँ से निकालोगे आप ये बताइए पहले जरा। इनके नक्शे बहुत हैं, इनका सेल्स ऑफिसर आएगा ऐसा ट्रीट करेगा जैसे लगता है कहीं का राजा हो। अगर आपने उसको सेवक की तरह ट्रीट नहीं किया तो एकदम नाक चढ़ जाएगी इस आदमी की भैया। हाँ एकदम ऐसा बोलेगा जैसे लगता है आप उसके नौकर की तरह उसके जूते पकड़ के रगड़ो उनके, तभी आप आपके मेहरबानी होगी, नहीं तो आपकी तो अगेंस्ट रिपोर्ट लग के आपको तो भैया बस आपकी बिलिंग बंद करा देंगे। तो और तो और कई जगह तो इनका ये नाटक रहता है, कभी बोलते हैं ऑनलाइन बिलिंग कराओ, कभी कहते हैं लोकल लोकल कॉन्टेक्ट को आप भेजिए। ये तो ये समझ लीजिए, आप हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए भैया। आप जाइए, आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है या रिटेल शॉप खोलनी है, जाइए आपस के लोगों से बात कीजिए और फिर आपको मालूम चलेगा कि है क्या पतंजलि का बिजनेस मॉडल। पैसा बहुत कमा रही है पतंजलि, लेकिन किसके किसके खून पसीने की कमाई से? रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की खून पसीने की कमाई से। और सबसे ज्यादा नुकसान कौन झेल रहा है? रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ही झेल रहा है, क्योंकि भैया बाबा जी और पतंजलि आयुर्वेद बैठी हुई है हरिद्वार में, इनका किसी से कोई मतलब नहीं। एक बार इन्होंने सामान दे दिया, भैया झेलो अब उसको तुम, और झेलने के बाद मरते रहो, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने सामान बेच दिया, अब तुमको निपटाना है उस सामान को, चाहे वो बिके चाहे ना बिके। और दूसरी बात, ये शॉर्टेज इनके सामान कितनी रहती है, इन्होंने फ्रेंचाइजी, इन्होंने ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर तो ऐसे बनाने चालू कर दिए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 200 से आसपास डिस्ट्रीब्यूटर ही रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इनका कि यूपी के किसी बड़े बनारस का एग्जाम्पल लेते हैं तो कम से कम वहाँ 50 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कानपुर में कम से कम 50 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, नोएडा में 50 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात बोल रहा हूँ, और लखनऊ के हम लखनऊ में होंगे करीब 150 के आसपास। जब इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो क्या कमाओ क्या खाओ, भाई कुत्ते कुत्ते को खा रहा है, ये हालत होगी आज की डेट में। और ये समझने वाला कोई है नहीं, सब सोचते हैं भैया हाँ पतली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बिजनेस है, पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। भैया इतना समझ लीजिएगा, पैसा लगाइए बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी रिसर्च जरूर कीजिएगा। इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, हो सकता है क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया भाई, तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इनका जो मॉडल है, इनके जो लोकल ऑफिसर्स हैं, लोकल कॉन्टेक्ट हैं, लोकल जहाँ से आपको सामान मिलता है, वो इतना गलत सिस्टम है इन्होंने बना रखा है कि आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपने एक बार आवाज़ उठाई तो आपके अगेंस्ट ये लोग खड़े हो जाएंगे सारे के सारे लोग। आप सच्चे हो आपको झूठा साबित करेंगे, ये लोग आपके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करेंगे, आपको इतना हैरस करेंगे कि आप छोड़ के चले जाओगे पतंजलि, इतना अपना पैसा डूब जाएगा आपका और कुछ नहीं कर पाओगे आप। पतंजलि से कंपनी का क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी बड़ी होगी पतंजलि कंपनी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो इसका। तो आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए कि आपको पतंजलि में बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, उसका मार्जिन क्या है, आप सब कुछ लिखित में लीजिए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई एग्रीमेंट ही नहीं दिया डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, कहते हैं कि हमारी बिलिंग चालू हो गई तो तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। अरे वाह भाई वाह, 25-40 लाख रुपए तो हमसे ले रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि बिलिंग चालू होगी तो हम डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट नहीं देंगे तुमको, ऐसा कभी सुना है आपने? लेकिन भैया पतंजलि है तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी किसी की यहाँ पर। और जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है बोलते हैं हमारा नाम मत बोलना भैया, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमको आगे चल के, ये हमारी दुकान बंद करा देंगे, हमसे डीलरशिप ले लेंगे। इतना खौफ है सोचिए लोगों के अंदर, लोग काम करना चाहते हैं, देशभक्ति में काम करना चाहते हैं, लेकिन अपना पैसा डूबो के कोई काम नहीं करना चाहता है। कितने लोगों के पास 5-5-6 लाख रुपए का माल एक्सपायरी पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और अभी तक उन्होंने उठाया नहीं है माल। इस तरह से बिजनेस रन करता है पतंजलि, खुद सोचिए। डरा धमका के बिजनेस रन नहीं किया जाता है, आपको सही ढंग से सही मन से सही ढंग से काम करना चाहिए, आपको सबको साथ लेके काम करना है। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की खून पसीने की कमाई से पतंजलि आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर 1,000 करोड़ की कंपनी थी 50 करोड़ की कंपनी नहीं बन सकती है, लेकिन सबको साथ लेके काम कीजिए, सारा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगा और आपकी कंपनी को 50 का 1 लाख करोड़ में कन्वर्ट करेगा। लेकिन आप धरा धमका के काम नहीं कर सकते हैं, एसओ एम जेड एम को तमीज होनी चाहिए कि वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से कैसे बात करते हैं। डराइए धमकाइए नहीं सर, ये भारत है, 1947 का भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ का भारत का है, आप समझ लिए 2017 है, 1947 नहीं है कि आपके आप किसी की आवाज़ दबा सकते हैं, आवाज़ दबा सकते हैं।